साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इससे हमारे चालक परिचालक भाइयों को बहुत भारी उनके सम्मान को ठेस पहुँची है और ये जो कैलाश स्टेनोटाइपिस्ट को जो सम्मान दिया गया है ये वापस लिया जाए, चाहे तो ये हमारे GM साहब को हमारे परिचालकों की तरफ से ये सम्मान दिया जाए अन्यथा सामूहिक रूप से किसी भी चालक परिचालक को ये सम्मान दे दिया जाए। आप जहाँ भी हमारे ड्यूटी क्लर्क और DI साहब जैसे हमें ड्यूटी के लिए इन्फॉर्म करते थे, हम तुरंत आधी रात को भी हमने अपनी ड्यूटी निभाई थी और एक कोरोना योद्धा के रूप में हमने ड्यूटी की। कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे लगता है मैं ही अकेला ही नहीं, हमारे सभी जो चालक परिचालक जो भाई है जिन्होंने COVID-19 में बहुत ही एक कोरोना योद्धा के रूप में जो ड्यूटी की थी इससे उनके सम्मान को बहुत ही भारी ठेस पहुंची। धर्मेंद्र जी, आप चालक हैं या परिचालक हैं? चालक है। चालक नहीं, गलत है जी। कैसे गलत है? गलत ये है कि क्योंकि असली हकदार तो चालक और परिचालक है, इन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के ही काम किया है जी। के वो खिलाफ हो है, फिलहाल भी इंक्वायरी चली हुई है इसके यहाँ पे, ठीक है ना, और इस लायक ये है नहीं जो ये सम्मानित किया है। तो हमने तो ये प्रशासन ने ये कोई राजनीतिक दबाव से के कारण ये करवाया गया है जी। क्या कहेंगे सर? अच्छा जी, पहले ज्ञापन दिया था, अब भी जो है यूनियन वाले कुछ जो है ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, तो जो ज्ञापन था पहले उसमें जो है कर्मचारियों ने अपनी कुछ पुरानी मांगे बारे में जो दिया है वो कुछ हेड ऑफिस लेवल की मांगे हैं, तो वो हम एज इट इज हेड ऑफिस देते हैं जो उनके संज्ञान में आ जाएगा सर। एक जैसा है वैसे तो कोरोना के दौरान हमारे पूरे डिपो के कर्मचारी, हालांकि डिपो तो है ही है जी, उसके साथ साथ पूरी रोडवेज के कर्मचारियों ने बड़ा सराहनीय काम किया है, उसमें सभी कर्मचारी चालक परिचालक है, चाहे ऑफिशियल कुछ स्टाफ था, मैनेजमेंट का स्टाफ भी था जी। और जहाँ तक जो है ना आप बता रहे हो जो ज्ञापन दिया है उस बारे में खुद प्रशासन ने भी जो है ना उस दौरान जो कार्य किया है, जो अवेलेबिलिटी जो हमने करवाई थी बसों की और जो स्टाफ की, तो वो दिन रात करके जो काम किया वो प्रशासन ने भी अपने लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग की है, उस आधार पर दिया गया। तो ये जो जो नाम नॉमिनेट जो किए जाते हैं वो प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग पूरी तय से करता है, उसके बाद वो फाइनलाइज होता है। अगर आप लड़ाई में ऐसा है जी, योगदान जहाँ तक वैसे तो सभी का था, लेकिन इनका जो पार्टिकुलर आप पूछ रहे हो, तो इस दौरान जब भी पूरी रात जो है ना यहाँ बैठ के सभी चालक परिचालक जो भी ड्यूटी लगा उनको घर से बुलाने में और उनको वहाँ से भेजने में उनके घर तक जाकर जो है ना पूरी रात जो है ना लेके आए हैं जी, उस दौरान बड़ा अच्छा योगदान रहा। ऐसा है वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, इसके लिए जो है ना सम्मानीय हमारे सभी कर्मचारी हैं जी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो जिस हिसाब से दिया गया है वो पूरी मॉनिटरिंग करके दिया गया है। सम्मानित तो हम डिपो लेवल पर भी कर्मचारियों को करेंगे, वो हरेक चालक परिचालक उस दौरान जो ड्यूटी कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं, मैं नहीं मानता इस बात जी। कभी बात देखो वो ऐसा है, कर्मचारी है कोई भी यूनियन है वो अपना स्तर पर कोई भी डिमांड कुछ भी दे सकता है, वो उनका राइट है जी, बाकी वो विचार करने की बात है। ठीक है सर।